क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पर चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी। वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी, अध्यक्ष महोदय, कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें उसको लेकर के कहा जाए जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पर चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी। वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। मुख्यमंत्री जी को अपना जो इकोनॉमिक एडवाइजर होगा कोई उनका, उसको बदल देना चाहिए। और अगर आपको कोई गुमराह करे, इकोनॉमिक एडवाइजर आपको गुमराह करे, जो आपको सही सच्चाई न बताता हो, उस आर्थिक सलाहकार का आप क्या करोगे? नेता सदन जरूर बताएं कि 34% आप हासिल कैसे करेंगे। और मैं अध्यक्ष महोदय कहता हूं हम समाजवादियों का घोषणा पत्र ले लें, ये 34% हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसको हासिल करने के लिए बड़ी बुद्धि की बात हो रही थी, बहुत बुद्धि है, जाने कहां बुद्धि है अध्यक्ष महोदय। हालांकि मुझे नहीं पता वर्ड अनपार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री वर्ड है बुद्धि। मैं अध्यक्ष जी आपसे चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि बुद्धि का बस इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। एक संस्था को हायर किया गया है केवल मुख्यमंत्री जी को सरकार को झूठ बताने के लिए, सच्चाई से दूर रखने के लिए। झूठ इज अनपार्लियामेंट्री। 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं आप कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाए, जो आपने सच नहीं बोला कि हम 34% हासिल कैसे करेंगे। उस 34% को साबित करने के लिए आप 200 करोड़ एक कंपनी को दे रहे हैं आप। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए आप 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अब समझ लीजिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कि जो 6 साल में नहीं कर पाए उन्हें 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जो आरोप लगा कि 2011 में 46 में 56, तो ये मैं मानता हूं कि नेता सदन से स्लिप ऑफ टंग हुआ, 46 में 56 कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था। अरे अध्यक्ष महोदय, वो वीडियो ऑनलाइन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो ऑनलाइन है। आज हम कुछ कहना चाहें वो नहीं हो सकता, नेता सदन जानते हैं। आपने दोबारा नेता सदन का भाषण नहीं पढ़ा, डांट पड़ेगी आपको घर जाकर के। वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता हो गया हो। जो टोटल भर्ती एसडीएम की उस समय हुई थी वो 30 थी, जिसमें मात्र यादव एसडीएम 5 थे, जिसमें और बिरादरी के हैं मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, 1 7 थे और 1 3 थे।
और पूरी सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन सरकार सूची जारी करे, 2012 में पीसीएस भर्ती में जो आरोप लगा वो यादव एसडीएम 4 थे, 2013 में 6 थे केवल, तो आखिरकार 2015 में 3 थे। मैं चाहूंगा कि नेता सदन और सरकार इस सूची को जारी करे। और अध्यक्ष महोदय मुझे याद है, हाँ विशेषाधिकार तो बनेगा, सरकार जारी करे उस सूची को। इसीलिए हम सब लोग, और आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का सपना है।